क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो, क्या नाम है? दीपक। दीपक। तुम्हारा? अमृता। अमृता, कैसे यहाँ इनके घर आ गए? घर कहाँ तुम्हारा? रसड़ा। तो इनके घर कैसे पहुँचे ये बताओ। रसड़ा में कौन सा काम है तुम्हारा बताओ? सलामी। अच्छा, थाना कौन सा है? रसड़ा। अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे इनके घर? इन्होंने बुलाया मुझे। इन्होंने बुलाया? कौन लगती है रिश्ते में तुम्हारी? इन्हीं से पूछो ना भैया। हाँ, आए तुम हो दूसरे के घर में, तुम पहुँचे हो और तुमको नहीं पता कि तुम चले आ, कह रहे हो कि इन्हीं से पूछो। बताओ कौन लगती है तुम्हारी, बताओ रिश्ते में है? कौन लगता है तुम्हारा? ये तुम्हारा को क्या लगता है ये बताओ है? बताओ बताओ क्या लगता है, बताओ। हमने के शादी कर लेंगे। शादी करना है? कब पहले के थे? यहाँ भी यहाँ तुम्हारी शादी हुई है ना? जिनके घर में तुम हो यहाँ तुम्हारी शादी हुई थी ना? हाँ, कब हुई थी यहाँ शादी तुम्हारी? कितने साल पहले हुई? कितने साल पहले? साल बताओ, चलो दिन तारीख। हाँ, 2022 में यहाँ तुम्हारी शादी हुई थी, और इसके पहले तुम इससे शादी कर चुकी थी? हाँ, इससे पहले तुम इससे शादी कर चुकी थी, तो फिर यहाँ तुम शादी कहे कर ली? कहे दूसरी जिंदगी बर्बाद करने यहाँ चली आई तुम? तुम्हारे माँ बाप जानते हैं कि तुम्हारी इससे शादी हुई थी? इससे कुछ अफेयर था? शादी करने का बस बात करते नहीं जानते नहीं। अच्छा, बात करती थी तुम, ये जानते थे तुम्हारे माँ बाप? मम्मी और भाई। मम्मी और भाई। तो उस समय तुमने नहीं कहा कि इससे हम शादी करेंगे? कहले मैंने। तो शादी तुम लोग कैसे, तुम इससे साथ कैसे की थी? मंदिर में की थी या कोर्ट मैरिज? मंदिर में। मंदिर में शादी की थी? वहाँ और कोई था जब मंदिर में इसके साथ शादी की थी तुम? भगवान के सामने बस के लिए। अच्छा, तुम लोग भगवान के सामने जाकर मान लिया कि हम लोग पति पत्नी हैं। जब तुम शादी कर चुकी थी तो फिर दूसरे की घर पर, दूसरे का घर बर्बाद करने क्यों यहाँ आई? तुम उसी के साथ उसी समय चली जाती? आज जो तुम दिन दिखा रही हो इस गांव को, इस परिवार को, तो अपने परिवार को, तुम्हारे गांव का मान सम्मान जाएगा, इस परिवार का मान सम्मान जा रहा है, तो तुमने पहले कभी सोचा था यहाँ? तो फिर क्यों तुम आई? तुम यहाँ क्यों शादी तुमने किया? यही कदम तुम पहले उठा लेती तो शायद इस परिवार का मान सम्मान बच जाता। तुम्हारे माँ बाप को सम्मान तो तब भी गया और तब भी जाता, लेकिन तुम इस परिवार का मान सम्मान क्यों ली? पहले मम्मी पापा से कहा कि हम शादी ना करवाए। अच्छा, जबरदस्ती तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ करवाए हैं? हाँ, हम पूछ रहे हैं कि हमें लड़का पसंद है। अच्छा, तुम कौन हो? लड़के की बहन हो? हाँ। ये तो कह रही है कि देखो लड़के की बहन, कह रही थे लड़का पसंद है, अपने बाप से भी खुद बोली थी कि हमारे लिए वो पसंद है। अच्छा, ये फोन में बंद करिए। ये बताओ अभी ये लड़का यहाँ कितने दिन से है? रात से। और कुछ लोग बाहर, कुछ लड़के बता रहे हैं कि दिन में और रात में इसको हम लोग जो है गांव में देख रहे थे, ये कई दिन से, चार पांच दिन से घूम रहा है। तुम बताओ सही बात है, कब का आए हो यहाँ? शाम को आया। शाम को आया। और लड़के बता रहे हैं कि दिन में रात में घूमता है? नहीं सर, शाम छूट नहीं हो रही। शाम के, शाम को कल कब आए थे बताओ? शाम के 4-5 बजे। तो अब क्या करना है तुमको बताओ? अब क्या करना है बताओ? तुम लोग ये बताओ क्या सोच लियो, तुम लोग क्या सोच लियो हो? संग रहोगे तुम? बताओ साथ रहोगे इसके? तुमको रहना है इसके साथ? इसके साथ रहोगे अब? तो जब पहले तुम भी शादी कर चुके थे, ये बता रही मंदिर में शादी कर ली थी, तो फिर इसकी शादी क्यों होने दिए तुम? उसी टाइम तुम इसको, इसके साथ चाहे भाग जाते, जो भी तुम्हारी मर्जी करती वो करते, कम से कम यहाँ तो ये नहीं आती, इस परिवार का मान सम्मान बचता ना? और तुम फिर से वही चीजें दोहरा रहे हो, इनके घर आ रहे हो, बताओ तुम्हें शर्म आई थोड़ी सी कि तुम दूसरे के घर में जा रहे हो दूसरे का मान सम्मान लेने? कुछ सोचे उस समय तुम? अजय होता, तुम्हारे हस्बैंड को पता था ये सब? पता था है कि मतलब तुम्हारा कोई प्रेमी है घर में? यहाँ किसी को पता था? नहीं, हमको किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था? नहीं। तो अब तुमको फाइनली क्या करना है बताओ? बस समय। तो अभी अभी अपने घर पे सूचना तुम दी हो? कहे नहीं दी हो, घर पे बातचीत। तो कैसे तुम लोग यहाँ से क्या करोगे? कैसे यहाँ फिर शादी, गांव वाले कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ जो है शादी कराएंगे अभी और उसके बाद जाने देंगे, तो क्या करोगे बताओ? फिर शादी करोगे? हाँ, तुम अपने माँ बाप से बात किए कुछ? कहे नहीं बात? नंबर, नंबर है तुम्हारे पास? पापा आ रहे हैं तुम्हारे? नंबर याद है घर का? नहीं, फोन में। तो घर का नंबर तुम्हें नहीं याद है?
अच्छा तुमको मारे पीटे भी है क्या लोग यहाँ? कौन मारा है बताओ? कितने लोग मारे हैं बताओ? बताओ कौन मारा है? चाचा मारे हैं और बाबा मारे हैं। और महिला लोग भी मारे हैं तुमको? ना। तुमको बताओ। और दूजन रहलन जब घर तोड़ा तो वे सब मर रहलन जा। जल गए रहलन जा। अच्छा कोई लेबर था क्या यहाँ पे? लेबर लोग भी मारे हैं? दूजन रहलन जा। बाहरी थे? और औरतें भी मारी तुम लोगों को? तो तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं? तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं? नाम क्या बताया तुमने? दीपक। तुम अच्छा ये एक बात बताओ, तुम लोग दोनों एक ही कास्ट के हो, बिरादरी एक ही है? तो तुम कौन से बिरादर हो बताओ? कास्ट क्या है तुम्हारा? किस जात के हो तुम? जाति क्या है बताओ? तुम बताओ, तुम बताओ इसका क्या जात है बताओ? चमार। अच्छा चमार है, हरिजन है, ये दलित है। अच्छा तुम्हारे गाँव से कितना दूर था इसका घर? बहुत दूर है तुम्हारे मायके से? हाँ। मतलब ढाई तीन किलोमीटर? ढाई किलोमीटर नहीं, थोड़ा पास में। अच्छा मिशन स्कूल है। यानी तुम लोग का यही फैसला दोनों का कि तुम लोग एक साथ रहोगे अब? हाँ पहले से बात करते हैं। मतलब प्रेमी है ये ना? कब का आया ये? कल रात को। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो चार दिन से तुम्हारे घर में है, सही बात है? हाँ? तुमसे उसका कितना दिन पहले से अफेयर चल रहा था? पाँच छः साल से। शादी से पहले से? तो शादी से पहले ये बात घर में बताई थी कि मेरा उनसे अफेयर है? सबको पता होगा। तो वहाँ पे सबको पता है। तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं बताओ? विदेश रहते हैं। कितना दिन से रहते हैं? 15 अगस्त तो ये बताओ अभी तुम्हारे घर सोचना गई है? तुम्हारे मम्मी पापा बात किए तुमसे? अभी आ रहे हैं। उसको मारा कौन है? चाचा जी मारनी। कौन चाचा? बाबू जी के भाई। नाम बताओ। नाम बताओ। नाम ससुर का क्या नाम है तुम्हारा? बेचू प्रजापति। और पति का नाम क्या है? मिथिलेश प्रजापति। 100 नंबर पर फोन नहीं किया? क्यों? मोबाइल छीन ले। हैं? मोबाइल छीन ले। मोबाइल छीन ले आ जाए। तो ये लड़का कब से यहाँ पर है? मतलब कब इसके घर वाले कब आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, जब शादी हो गई तुम्हारी तो फिर इसको क्यों बुलाई अपने घर पे? जब शादी हो गई थी तो क्यों बुलाई इसको घर पे? अब तो तुम्हारा मान सम्मान चला गया और इस परिवार का भी मान सम्मान चला गया, क्या चाहती हो तुम? अब इस परिवार वाले रखेंगे तुमको? ये बताओ, तुम अपने यार को बुलाई हो, तुम्हारा प्रेमी है, उसको पहले से बुला लियो, पहले का प्रेमी था, तब तो तुम उसके साथ नहीं गए। अब शांत रहिए, शांत रहिए, अब शांत रहिए। तो उसके पहले तुम्हें ये सब करना चाहिए था ना? शादी विवाह तुम्हारा हो गया तो इस तरीके से अपने प्रेमी को तुम यहाँ बुला रही हो, गाँव का मान सम्मान जाएगा, इस परिवार का मान सम्मान जाएगा। तुम्हारा पति कमाने के लिए तुम्हारे लिए बाहर गया हुआ है, तो तुम तो सब कुछ सब ले ली हो, क्या चाहती हो अब बताओ? आखिरी क्या फैसला है तुम्हारा? क्या क्या सोच रही हो? इसके साथ रहना चाह रही हो? अच्छा ये बताओ, अब तुम प्रेमी के साथ रहोगी कि पति के साथ? किसके साथ रहोगी अब? किसके साथ? प्रेमी के साथ। प्रेमी के साथ रहोगी अब? इस घर में नहीं रहना है?